जय माता दी भक्तों, नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप का अपना महत्व और अपनी कथा है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी कथा और जानकारी के बारे में काफ़ी सुनने और देखने को मिलता है। आज इस क्रम में हम आपको मां दुर्गा की सवारी सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। यूँ तो मां दुर्गा के कई रूप हैं और उन स्वरूपों में मां के अलग अलग वाहन भी हैं, लेकिन उनका प्रमुख वाहन आखिर मां दुर्गा सिंह की सवारी क्यों करती हैं और इनके पीछे की कथा क्या है। मां दुर्गा की सिंह को लेकर कई कथाएं आती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कथा है आज हम उसके बारे में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत में मां पार्वती और शिव जी साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे में मजाक कर रहे थे। मजाक में ही शिव जी ने मां पार्वती को काली कह दिया। मां पार्वती को बहुत बुरा लगा और वह कैलाश पर्वत छोड़कर चली गई, वन में चली गई और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। इस बीच में एक भूखा शेर मां पार्वती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन वहां वहीं चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह शेर भी तपस्या कर रहा था मां के साथ, वहीं सालों चुपचाप बैठा रहा। मां ने जिद कर ली थी कि जब तक मैं गोरी नहीं हो जाऊंगी तब तक वह यही तपस्या करेंगी। तब शिव जी वहां प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक शेर वहां चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है। देवी पार्वती ने जब यह पता चला कि शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना बना लिया। तब से माँ पार्वती का वाहन शेर हो गया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। राधे राधे सभी भक्तों को।